नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा दीक्षित है और मैं कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम एक ऐसे डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम अपने आसपास और कई बार खुद में बहुत कॉमनली महसूस करते हैं, जिसका नाम है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे हम आम भाषा में एंजाइटी या घबराहट की बीमारी बोलते हैं। इसके कुछ लक्षण हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर किसी इंसान को हर दिन हर समय बिना किसी बात के हर सिचुएशन में लगातार कम से कम पिछले 6 महीनों से निम्न प्रकार के लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि संभवतः वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित है। इसके मुख्य लक्षणों में हर समय घबराहट और बेचैनी रहना, हाथ पैरों की मांसपेशियों में नसों में एक तनाव और खिंचाव महसूस होना, कंपन महसूस होना, सिर में भारीपन, असमंजस की स्थिति, कंसंट्रेशन नहीं कर पाना, याददाश्त में कमी, कई बार किसी सिचुएशन में अचानक से माइंड का ब्लॉक हो जाना, पेट में एक अजीब सी गुड़गुड़ाहट और गड़गड़ाहट सी महसूस होना, इस प्रकार के लक्षण कई लोगों को अनजाना अकारण एक भय, बिना किसी बात के किसी चीज का डर सा महसूस होता रहता है हर सिचुएशन में। जब हमें इस प्रकार के लक्षण देखने को मिले तो हमें मानना चाहिए कि संभवतः हम इस रोग से ग्रसित हैं। किंतु इसमें घबराने की और परेशान होने की कोई बात नहीं होती है। लोग इस चीज को अवॉइड करते रहते हैं, जिसके कारण उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका काम करने की क्षमता है, उसमें काफी हद तक गिरावट आ जाती है और लगातार वो इसको इग्नोर करते रहते हैं और समय के साथ उनकी नौकरी में, आसपास की उनकी रिश्तेदारी, परिवार में, उनके रिश्तों में, हर चीज में परेशानी धीरे धीरे देखने को मिलती है। वो किसी भी काम को ठीक तरीके से करने में असमर्थ महसूस करते हैं। तो इग्नोर करने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कुछ बिहेवियर थेरेपीज, जो कि आसानी से किसी डॉक्टर से मिलने पे या गूगल, यूट्यूब, इन वेबसाइट्स पे बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम फॉलो करें तो इन चीज़ों में काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। किंतु परेशानी कब होती है, जब हम ये सारे जतन करने के बावजूद अपनी इस समस्या से निजात पाने में असमर्थ महसूस करते हैं। ऐसे टाइम पे हमें बिना किसी हिचक और संकोच के एक मनोचिकित्सक के पास आके अपना इलाज कराना चाहिए। दवाइयों के साथ इसका इलाज संभव है, जरूर डॉक्टर के पास आएं और अपनी परेशानी का सलूशन पाएं।